लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 51 नाउ. द फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ आउटपुट वर्सेस इनपुट वोल्टेज ऑफ अ बेस बायस्ड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन मार्क विद थ्री रीजन इन विच रीजन द ट्रांजिस्टर ऑपरेट एज अ स्विच. देखो जब भी आपको किसी चीज़ को स्विच की तरह काम करवाना होगा तो उसमें दो चीज़ होती है, तो स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा, मतलब या तो आपको वोल्टेज मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कट ऑफ को, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो ये जो फर्स्ट रीजन होता है ये कट ऑफ को रिप्रेजेंट करता है कट ऑफ. ये जो सेकंड रीजन होता है ये रिप्रेजेंट करता है एक्टिव रीजन को, एक्टिव रीजन. और ये जो थर्ड रीजन है ये सेचुरेशन लेवल को या सेचुरेशन रीजन को रिप्रेजेंट करता है, सेचुरेशन रीजन. तो आपको जब स्विच ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज़ करवाना है तो उसमें दो रीज़न होने चाहिए, एक कट ऑफ रीजन और एक सेचुरेशन रीजन, यानी कि आपको वोल्टेज मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो इसके लिए इसका मतलब ये हुआ कि हम दो रीजन में काम करवाएंगे, एक तो फर्स्ट रीजन में और एक थर्ड रीजन में. तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड रीजन. तो आप ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, व्हेन अ ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन कट ऑफ और सेचुरेशन रीजन इट एक्ट्स एज अ स्विच.